वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। मेरा नाम अबूजर खान है और आप लोग देख रही है टेक्निकल अबूजर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने बैंड व्हाट्सएप को कैसे अनबैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में, आप लोग ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अबूजर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। जी बिल्कुल दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप में अपने नंबर को लॉगिन कर दिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस अकाउंट कैन नॉट यूज़ व्हाट्सएप। इसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है रजिस्टर्ड न्यू नंबर। तो दोस्तों आप लोग ने इस तरह के अकाउंट को कैसे रिकवर कर देना है, वीडियो को XTB मिस नहीं करना है ताकि आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसके लिए आप लोग ने करना क्या है, यहाँ पर आप लोग ने यहाँ से बैक चले जाना है होम स्क्रीन पर और पेज के बाद दोस्तों आप लोग ने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर अपने सर्च बार पर आना है और सर्च बार पे आने के बाद यहाँ पर आपने टाइप कर देना है व्हाट्सएप हेल्प। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सेट कर, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप हेल्प को टाइप कर दिया और व्हाट्सएप हेल्प को टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने उसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोग साथ थोड़ा सा लोड करेगा, लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप लोग साथ एक नया इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने जो पहले नंबर वाली वेबसाइट है, आप लोग ने सिंपली पहले नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले वाली वेबसाइट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट इन टच, तो आप लोग ने गेट इन टच पर क्लिक कर देना है। गेट इन टच पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप वाला पेज जो है यहाँ पर मेरे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग के साथ दो तीन ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पर पहले नंबर वाला जो ऑप्शन है व्हाट्सअप मैसेंजर सपोर्ट और इसके बाद व्हाट्सअप बिजनेस सपोर्ट वाला। तो दोस्तों आप लोग ने जिस व्हाट्सअप में भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर दिया है आप लोग ने वही को सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेंजर को सेलेक्ट करूँगा, इसके लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। व्हाट्सअप मैसेंजर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने अपने नंबर को टाइप कर देना है जो नंबर बैन हो चुका है और फिर इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर आपने कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल लेना है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नंबर भी डाल दिया, इसके बाद ईमेल और कंफर्म ईमेल भी डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने नीचे एक और ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर हाउ डू यू यूज़ व्हाट्सएप, तो आप लोग ने अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। मतलब यहाँ पर आप लोग अगर एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते तो आप लोग ने एंड्रॉयड को सेलेक्ट कर देना है या आईफोन को यूज़ करते तो आप लोग ने आईफोन को सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड को यूज़ करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर एंड्रॉयड को सेलेक्ट करूँगा। एंड्रॉयड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है प्लीज़ एंटर मैसेज ब्यूरो, तो आप लोग ने यहाँ पर एक अपील लगा देना है और वो अपील आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर, मैं यहाँ पर अपील को टाइप कर देता हूँ और अपील के आखिर में आप लोग ने अपने नंबर को टाइप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपील को टाइप कर दिया और अपील को टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोग नीचे नंबर भी देख सकते हैं, आप लोग ने अपने नंबर को टाइप कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है नेक्स्ट स्टेप पर, तो दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लेके मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ एक और ऑप्शन आ जाएगा सेंड क्वेश्चन वाला, तो दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली सेंड क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है। सेंड क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योर क्वेश्चन हैज़ बीन सेंट, तो इसका मतलब है कि आप लोग का जो अपील है वो सेंड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ने कुछ भी नहीं करना है, आप लोग ने वेट कर देना है और आप लोग ने कितना वेट कर देना है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग ने जस्ट 3 दिन तक वेट कर देना है, इसके बाद आप लोग का जो अकाउंट है वो फिर से रिकवर हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग के साथ और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।